अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज हमारा प्रोग्राम बन रहा है सुमराबाद जाने का, फिश एक्वेरियम मार्केट जाना वहाँ पे। तो आप अपना एक्वेरियम दिखाते हैं। मैंने एक्वेरियम लिया हुआ बट उसका इशू ये है कि उसका पेपर उतर गया पीछे से। तो अभी मार्केट जाना है, इसका पेपर वगैरह का सारा पता करना है, कितने तक का मिलेगा, किधर से लगेगा। वैसे तो इसको सुमराबाद लेके जाना है, मेरे घर से काफी दूर है, लेकिन चलते हैं पता करते हैं। अगर तो इधर से लग गए तो वो तो बेस्ट है कि वहां से आप पेपर ले आऊंगा, तो यहाँ से किसी से लग गए नहीं तो फिर एक्वेरियम उधर लेके जाएंगे। और मैंने इसका सेल भी करना तो वो भी पता करते हैं। तो बाइक निकालते हैं जल्दी से अपनी। जल्दी से बाइक वगैरह निकालता हूं। अभी एक्वेरियम वाली शॉप में हम पहुंच चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं, जाकर रेट वगैरह पता करते हैं। एक्वेरियम में कितनी कितनी बड़ी हैं ये सारा एक्वेरियम का सामान। अभी इनसे पूछते हैं कि अगर स्टिकर वगैरह चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये भाई क्या अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने एक्वेरियम लिया था तो उसका स्टिकर उतर गया हुआ, तो वो चेंज हो जाएगा कुछ? तो कितने पैसे लगेंगे? ले आऊँ मैं ये इस वाले एक्वेरियम का क्या प्राइस है? ये कंप्लीट सेट पंप लाइट के साथ आपको मिल जाएगा 22,000। सारा कंप्लीट होगा सर? और वो जो छोटा एक रखा हुआ है इस वाले का, इस वाले की 18,000 मांग रहे हैं। सारा कंप्लीट होगा सर? तो मैंने भी अपना इनसे सेल वगैरह करना तो मैंने अपना पूछा, बट वो कह रहे हैं कि यहाँ सेल नहीं होता, एक्वेरियम वैसे चेंज कर लेते हैं अगर आपने लेना तो। अभी आपको ड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं यहाँ से इनसे, इनकी शॉप का नहीं देखो जाता। तो भाई अपना ड्रेस भी बता दीजिएगा यहाँ पर। एक्वेरियम आर्ट उन छोड़ इस्लामिया द्वारा। चलो ठीक है, ये इन्होंने अपना ड्रेस वगैरह बता दिया। अभी चलते हैं वापस किसी और शॉप से भी पता कर लेते हैं, अगर लग जाता है कोई अच्छा और रीजनेबल प्राइस में तो वहाँ पर देखते हैं। और शॉप पर हम पहुँच चुके हैं, फिश पॉइंट नाम है दुकान का, ये भी उसी एरिया में चबूरी वाली साइड पर। तो इनसे पूछ रहे अच्छा। और अगर एक्वेरियम सेल करना हो? ये भी वही कह रहे हैं कि एक्वेरियम सेल नहीं होता, वैसे स्टिकर वगैरह चेंज कर देंगे, स्टिकर आपको लाना पड़ेगा अपने साथ। अभी और भी शॉप से पता करते हैं कोई अगर सेल वाला कोई कस्टमर तो उसे सेल काटें। वहाँ से हम वापस आ चुके हैं, आपको वहाँ पे बता दिया था कि वो कहा था कि स्टिकर लग जाएगा बट एक्वेरियम सेल नहीं होगा। मैंने उसमें सेल करना वो कहा था कि आप ये दे दें और साथ न्यू ले लीजिएगा, ये हो जाएगा, बट सेल नहीं ले होगा, हम खरीदते नहीं हैं। तो ये एक्वेरियम इससे ना एक्वेरियम बहुत गंदा गंदा लगता है स्टिकर के बगैर। ये देखिए फिश, मैंने गोल्ड फिश रखी हुई है सारे। तो जी गाइस भाई मौसम चेक करें, बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखें तूफान नहीं कितनी बारिश है, लाइट भी आ जा रही है, बाबा लाइट खराब हो गई है। अभी जाकर चलते हैं, जल्दी से चलते हैं छत पे, छत पे जाकर आपको दिखाते हैं। तो जी गए थे भी हम छत पर आ चुके हैं और लाइट नहीं आ रही थी, लाइट वगैरह नहीं ऑन कर सकता, था बट सीन चेक कर।
तो जी गाइस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।